हेलो गाइज, वेलकम बैक टू दी शुभम व्लॉग्स। तो आज की वीडियो का टाइटल और थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे, आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। अच्छी लगे तो भाई लाइक ज़रूर करना, तो शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखना। और अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। और अगर इंस्टा आईडी फॉलो नहीं करी है जो कि शुभम व्लॉग्स 198 करके है, तो यार उसको भी फॉलो कर लेना। तो बात करते हैं देखो आज की वीडियो में, कि जो मैंने 4-5 दिन पहले जब वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि मेरी बैटरी ख़राब हो गई है, तो बैटरी ख़राब होने का कारण तो बड़ा ही था, लेकिन है ना उसमें क्या दिक्कत आई है, वो कम से कम मेरे को बैटरी डलवाए 1 से 1.5 साल के करीब बीच में हो गया है। और भाई एक्साइड की बैटरी थी, और देखो जहाँ पर मैंने ये डलवाई थी ना वहाँ से कहीं और ही शिफ्ट हो गया, और उसका एड्रेस मुझे पता नहीं है। ठीक है, अब क्योंकि 3 साल की तो वारंटी रहती है, 2 साल 3 साल, ठीक है, तो वो चीज़ थी। अब मैं ढूंढूंगा ऐसे में, तो यार बड़ी दिक्कत थी, क्योंकि अगर मैं नई डलवाता हूँ तो कम से कम 3,500-4,000 रुपये या फिर 3,000 के बीच में ही पड़ती, ठीक है, वापसी करके, ठीक है। और ऐसे में भाई बड़ी सिचुएशन बड़ी टाइट थी कि यार 3,500-3,000 रुपये फिर जाने वाले हैं साल भर में, और 1.5 साल चली है बैटरी, तो यार काफ़ी मतलब अजीब सा लग रहा था कि यार दोबारा पैसा खर्च करना पड़ेगा। लेकिन जिस मकैनिक के पास गया ना, उसने भाई काम बहुत आसान कर दिया मेरा, कि इसमें ना मतलब जो पानी होता ना बैटरी वाला, तो इसमें कम हो गया था। और कितना हुआ था, जैसे बैटरी में फुल पानी नहीं डाला था, कम से कम इतना ना इतना भाई खाली रखा था पानी, चारों में मतलब इतना पानी छोड़ रखा था, तो आप यही देख लो। और पानी डालने के बाद है ना आज तक मतलब अभी तक भाई गाड़ी से अलग पूरा ले रही है, मतलब ये है कि बैटरी डाउन नहीं पड़ रही जैसे पहले पड़ रही थी। पहले वीडियो में आपने देखी होगी, अभी मैं सेल्फ मार के दिखाऊंगा, तो भाई उसमें लेकिन मेरा काम भी अच्छा हो गया। और ये मान लो कि जो परेशान कर रही थी ना बार बार सेल्फ लेने में, पूरी गाड़ी मतलब डाउन सी पड़ जाती थी, तो वो चीज़ नहीं हो रही। और अब मतलब सेल्फ मारता हूँ तो एक ही बारी में स्टार्ट हो जाती है, दिखाता हूँ अभी आपको, ठीक है। तो ये देखो, अभी देखो मैं बिल्कुल आउट एरिया में, ये देख लो, ठीक है, कोई भी नहीं है। अगर धक्का भी मानना होगा तो मुझे खुद अकेले ही मानना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। ये देखो अभी सेल्फ मारूंगा मैं, ठीक है, ये चाबी कर दी ऑन, दोबारा बंद करी, अब लोड भी नहीं ले रही, और भाई बिल्कुल बढ़िया स्टार्ट हो रही है। तो अगर आपकी गाड़ी में भी अगर ऐसी प्रॉब्लम आती है, 1.5 साल 1.5 साल चली है, तो भाई घबराना नहीं। ऐसे में जो पानी की जो कमी हो जाएगी ना, तो आप है ना खुद ही पानी डाल लेना, लेकिन इतना पानी है ना, इतना पानी चारों में आपको छोड़ देना, जो बैटरी होती है उसमें 4 गड्ढे से होते, तो उसमें ना इतना इतना जगह आपको छोड़ के चलनी है, ठीक है, चारों में इतनी डाल देना। और इतने में डालने के बाद है ना कम से कम स्टार्ट रहने देना 1-2 घंटे कम से कम, और स्टार्ट होने के बाद जब वो चार्जिंग हो जाएगी फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। हाँ ये शुरू में 1-2 बार दिक्कत होगी, लेकिन फिर उसके बाद नहीं होगी, क्योंकि शुरू में भी मेरे को ऐसा लगा था जब मैं पानी डलवा के आया था तब मुझे ऐसा लग रहा था कि 2-4 बार मतलब सेल्फ मारता था ना तो वो डाउन से पड़ती थी, खींचती थी एकदम से, प्रेशर पड़ता था उसमें, लेकिन थोड़े टाइम बाद ये ना स्टार्ट होती थी गाड़ी, तो कोई दिक्कत नहीं आई, कोई परेशानी नहीं आई। ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसी और वीडियोज़ के लिए, क्योंकि इको गाड़ी से रिलेटेड इस चैनल पर मैं वीडियो लाता रहता हूँ लगातार। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक टिल देन बाय बाय।